अक्षत के बली करे आया जी आया नु खुश आमदीद पखर रगले अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली फिशिंग विद फन कंटेंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंगलर फैजान और आज फिर से हाजिर हैं एक नए प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज में। और आज की जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। वो स्पेशल किस तरीके से कि मुझे भी पता नहीं है कि किस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। बड़ा आपको जो है वो यूनिक लग रहा होगा, कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ये बेसिकली प्रोडक्ट रिव्यू से ज़्यादा जो है वो गिफ्ट रिव्यू है। एक जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं मुश्ताक साहब, USA में, तो टेक्सास में होते हैं वो। उन्होंने जो है वो कुछ गिफ्ट्स मुझे दिए हैं और वो फिशिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो है अनबॉक्स करके भी दिखाते हैं। मैंने अब तक देखे नहीं है, इसकी खास बात ये है कि पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि वो फिशिंग के लिए कितने यूज़फुल है और क्या क्या चीज़ें हैं। राजा जी अपना हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो देखें भाई, ये मुश्ताक साहब की तरफ से, वो रहते हैं टेक्सास में और टेक्सास का जो है वो हमें कैप मिल चुका है। कैप चेंज कर लेता हूँ मैं, अब मैं टेक्सास में आ गया हूँ, टेक्सास की कैप होना चाहिए। और उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट है, अभी इसको खोल लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। वैसे मुझे आइडिया हो रहा है कि कुछ फिशिंग ल्यूर्स हैं, अब देखते हैं कि क्या है। आ जाओ कैमरा करीब करो। तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। ओहो, हाँ, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये फिशिंग जो है वो ल्यूर्स हैं और छोटे ल्यूर्स हैं कास्टिंग के लिए, जिसको यहाँ पे पताशा भी कहते हैं। और एक दो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ उसमें से आपको निकाल के दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी जो है वो ये मुश्किल से तरीके से पैक हुआ है। छोटे छोटे से जो है वो ये ल्यूर्स हैं और ये कास्टिंग के लिए जो है शोर कास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थैंक यू अगेन मुश्ताक साहब। और इसके अलावा ये भी जो है वो ये सॉफ्ट वेट ल्यूर्स कहलाते हैं, बॉटम फिशिंग जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग बॉटम फिशिंग करते हैं तो उनके लिए जो है वो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ की मछली देखते हैं कि इस पर बाइट करती है नहीं करती। आज तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा क्योंकि ये जगह इसकी चेक करने की नहीं है, इसको चरना पे जो है वो जाकर मैं चेक करूँगा। और इसके अलावा और भी कुछ, ये भी कुछ कास्टिंग की जो है वो, और इस शायद इसकी खास बात ये है कि ये ग्लो करती है पानी में जाके। ये सारे के सारे बेड जो है वो ज़्यादातर कास्टिंग के बेड है और ये मछली चलती है जब इसको कास्ट किया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो कोई 12-15 किस्म के जो है ना मुख्तलिफ ल्यूर्स हैं, बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और बल्कि 24-25 किस्म के ल्यूर्स हैं। ज़्यादातर इनमें जो है वो कास्टिंग के, कुछ बॉटम के भी हैं, कुछ ही आर्टिफिशियल जो है वो, इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। ये देखिए आर्टिफिशियल जो है वो झींगा है और ये जो है वो एक मोती लगा हुआ है जो कि लाइट रात में ग्लो करता है और बॉटम के लिए जो है वो शायद ये इफेक्टिव हो। तो अब जब जाऊंगा मैं नाइट बॉटम पे तो फिर इसको मैं लाजमी तौर पे यूज़ करूंगा और इसका आपको रिव्यू भी दूंगा। भाई ये फिशिंग प्रोडक्ट का हो गया और एक शायद कुछ और प्रोडक्ट बची है वो भी आपको दिखा दे दूँगा, वो क्या चीज़ है वो भी देख लें आप।
भाई ये गोगल्स हैं और कुछ इसकी स्पेशलिटी या स्पेशलिटी क्या है भाई? ये फिशिंग, ये जो है आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए जो है वो गोगल्स हैं और देखने में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। ये अल्ट्रा वायलेट रेस से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचाता है। पहन के भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। हाँ भाई कैसा दिए? ज़बरदस्त और अच्छा दिए भाई, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ये गोगल है। तो फिर से दोबारा से मुश्ताक साहब का शुक्रिया। और सबसे आखिरी चीज़, ब्लॉग ख़त्म करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि मुश्ताक साहब भी हमारे साथ हैं। पहले मैं उनके पास चलता हूँ और उन्हीं के साथ बैठ के फिर ब्लॉग ख़त्म करूँगा। और सबसे अच्छी बात, आज उन्होंने जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं उन सब के लिए जो है वो इसी तरह की टेक्सास की जो है वो कैब लेके आए हैं। वो टेक्सास से हैं और टेक्सास को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम सब लोगों को कैब भी मिल चुकी है। हाँ तो व्यूअर्स, जो अभी मैंने प्रोडक्ट रिव्यू सारा किया था, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनकी प्राइस जो है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो प्राइसलेस हैं और वो गिफ्ट है मुश्ताक साहब की तरफ से। मुश्ताक साहब जो है वो यूएस से स्पेशली हमारे साथ आए हैं और ज्वाइन किया है इन्होंने, और बहुत ज़बरदस्त फिशिंग रही। बाकी जो है वो मुश्ताक साहब से पूछते हैं कि कैसा उनका ट्रिप रहा और कितना उन्होंने एंजॉय किया। देखो मैं वहाँ से आया हूँ, 24 घंटे तो मुझे फ्लाइट में लगे। मेरा एक ड्रीम था कि मुझे जाना था फिशिंग आफ्टर 30 इयर्स, तो ड्रीम्स कम्स ट्रू। और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी, बातचीत भी, बातें भी, फिशिंग भी, हर चीज़ आउट ऑफ 100% इज गुड। मनी सब चीज़ें बाय नहीं कर सकती जो आज मिल रही है। पैसा वही है आज जो मेरे पास, जो आज मैंने खर्च किया वो मेरा पैसा है, बाकी कुछ भी नहीं। जो खाया वो मेरा पैसा था, जो खाना खाया उसको कुछ नहीं। शुक्रिया भगत, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त हमारा ट्रिप रहा करेगी और हमारे ग्रुप मेंबर्स का भी ट्रिप रहा, और सबके लिए जो है वो उनकी तरफ से जो है वो सुविनियर्स थे और बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। मैंने खुद भी इन्जॉय किया। खाना आप बताएं, खाने का रिव्यू बहुत ही अच्छा। आफ्टर 30 इयर्स, भाई मछली आनी शुरू हो गई है। ये कौन सी है भैया? हाँ तो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, और तब तक अपना अपने घर दोनों बाकी लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।